आज हम बात करेंगे कि कैसे मनुष्यात की आदत लगती है और इस दौरान हमारे जिस्म में और दिमाग में क्या होता है। दिस इज वसीम राजा एंड यू आर ऑन माई चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चलूँ कि इस वीडियो के दौरान मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन रियल इफेक्ट को लफ्ज़ों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि ड्रग एडिक्शन इज़ एक्सट्रीमली बैड फॉर योर बॉडी। इससे कुछ देर तक रिलैक्सेशन मिलती है, लेकिन इससे हम बहुत सारी चीज़ों को खो भी देते हैं। देखिए, हमारे ब्रेन्स में एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है जो हर अच्छा हेल्दी काम करने पे हमें रिवॉर्ड दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम बिरयानी खाते हैं या आइसक्रीम खाते हैं तो ब्रेन हमें इनाम के तौर पर हमें ये महसूस कराता है कि ये लजीज है, ये टेस्टी है, हमें अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। हमारा ब्रेन इसीलिए ऐसा करता है ताकि हम नेक्स्ट टाइम ऐसी एक्टिविटीज़ और ज़्यादा करें। तो हर ऐसा काम, चाहे वो फूड हो या सेक्स हो, तो ब्रेन हमें इनाम के तौर पर अच्छा फील कराता है। ये रिलैक्सेशन का प्रोसेस हमारे ब्रेन में होता है। फॉर एग्जांपल, जब भी हम मीठा खाते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो एक खास न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोड्यूस करता है जिसको हम डोपामीन बोलते हैं। डोपामीन एक कमाल का सब्सटेंस है। जब डोपामीन आपके ब्रेन में प्रोड्यूस होती है तो आप मीठा खाएं या नहीं खाएं, आपको अच्छा ही लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी लड़की या लड़के को देख रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं तो आपको आपके अंदर वो मज़ेदार फीलिंग्स आ रही होती है जो किसी और को देखते हुए नहीं आती, क्योंकि उस टाइम आपके अंदर डोपामीन रिलीज नहीं हुई होती है। सो इट्स अ डोपामीन विच मेक्स यू हैप्पी एंड रिलैक्स्ड एंड ऑल्सो एडिक्टेड। नाउ Here comes the drugs such as cocaine, ketamine, benzos, alcohol. ये हमारे ब्रेन सेल्स को मजबूर करते हैं डोपामीन रिलीज करने पे। कितनी? नॉर्मल से ज़्यादा, कई बार तो 100 गुना ज़्यादा। कभी आपने नोटिस किया है कि आप अपने पार्टनर से बात कर रहे होते हैं और बराबर बैठा आपका दोस्त आपसे कुछ पूछ रहा होता है और आपका ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि उस टाइम आपकी फीलिंग्स इतनी इंटेंस हुई होती है कि आपका ध्यान ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि डोपामीन आपके नॉर्मल फंक्शंस को इफेक्ट करता है। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि जब ड्रग्स लेकर ये फीलिंग्स 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाए तो ये आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। नॉर्मल फंक्शंस रुक जाती है और आप बस एक कोने में लेटना चाहते हैं, ना आप किसी से बात करना चाहते हैं, ना आपको कोई शख्स पसंद आता है। इसका असर ख़त्म होने के बाद नॉर्मल काम जिनसे ब्रेन आपको रिवार्ड दे रहा होता है उतना रिवार्ड नहीं दे पाता है जितनी आपको आदत लग जाती है। सो, ना आपको कोई खाना पसंद आता है, ना कोई शख्स पसंद आता है, आपको और ड्रग्स चाहिए होते हैं जो ना मिलने पर सिर में दर्द होने लगता है। जो लोग बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं उनसे पूछिए, अगर उनको सुबह चाय या कॉफ़ी नहीं मिलेगी, जो भी वो डिस्क्राइब करेंगे उसे 100 गुना ज़्यादा ड्रग एडिक्टिव फील करता है। इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है कि कैसे ड्रग एडिक्शन को रिवर्स किया जाए और कैसे इसको रोका जाए। ड्रग एब्यूज़ के लिस्ट में नॉर्थ इंडिया टॉप लिस्ट में आता है एंड कश्मीर इज नॉट फार बिहाइंड। ओवर 33,000 सिरिंजेस आर यूज्ड टू इंजेक्ट हीरोइन बाय दीज ड्रग एब्यूजर्स ऑन द डेली बेसिस इन द वैली। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑफिस on drugs and crime, Jammu and Kashmir has 60,000 drug addicts. In last 3 years, there has been increase of 1,500% in the use of drugs. So, आप खुद देखिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। हम खुद मौत को अपने हाथों से खरीद रहे हैं। तो मेरी हर एक से यही दस्ता ये इल्तिजा है, ये गुजारिश है कि अगर कोई भी इस डिस्ट्रक्शन में इन्वॉल्वड है, प्लीज क्विट योर हैबिट्स, इस चीज़ को छोड़ दीजिए, अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत कीजिए। अगर कोई शख्स इस डिस्ट्रक्शन से बचना चाहता है, छोड़ना चाहता है, स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, अल्कोहल छोड़ना चाहता है, ये हीरोइन के इंजेक्शन लेना छोड़ना चाहता है, वो छोड़ सकता है। अगर मुझे छोड़ना है, वो छोड़ सकता है, अपने विल पावर से वो छोड़ सकता है। ठीक है, मेहरबानी करके अपने घर वालों के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। अगर कोई इंसान ड्रग एडिक्ट है, अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता है, अल्कोहल करता है या कोई और नशा करता है, उसको ये सोचना चाहिए कि
मैं खुद क्यों खुद को बर्बाद कर रहा हूँ, आप खुद अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, इस चीज़ से बचिए। सो मेरी हर एक उस इंसान से गुजारिश है, एक इल्तिजा है, अगर कोई भी इस चीज़ में इन्वॉल्वड है, इस डिस्ट्रक्शन में इन्वॉल्वड है, तो प्लीज़ अपने घर वालों के बारे में सोचिए। क्या आप चाहते हैं कि आपके आपके बच्चों को कोई यतीम बोले? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बीवी को कोई बेवा बोले? प्लीज़ इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सोचिए कि आपका पर्पस क्या है और आप अपने पर्पस को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।